इंसान की समझ सिर्फ इतनी होती है कि उसे अगर जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और अगर शेर कहो तो खुश हो जाता है। दोस्तों, दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, मगर खुद को समझना जिंदगी की असली ज्ञान होती है। इसीलिए खुद को समझिए और अपना लक्ष्य पर फोकस डालिए, तभी जाकर आपको सफलता मिल सकती है। जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच पर निर्भर करती है, क्योंकि जो मान लेता है वो हार जाता है और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। इसीलिए बड़े बड़े सपने ना देखे, बल्कि उन सपनों के लिए काम करे, तभी जाकर एक दिन आपको सफलता मिल सकती है। कुछ बनना है तो समंदर बन, ताकि लोगों के पसीने छूटने लगे, तुम्हारी औकात नापते ना। जुनून हम उससे कहेंगे कि जब हारना भी पड़े तो मन में यह ख्याल आए, अच्छा हुआ इस काम को एक बार और करने का मौका मिला। दोस्तों, चीनी और नमक को एक साथ मिलाया जा सकता है, लेकिन चीटी नमक को हटा देती और केवल चीनी ले जाती। ठीक इसी प्रकार जीवन में सही लोगों का चयन करें और अपने जिंदगी से गलत लोगों को हटा दीजिए, तभी जाकर आपका जीवन मधुर बन सकता है। इसीलिए बिना पूरी समझ के कोई भी करीबी रिश्ता ना तोड़े और ना ही बनाए, क्योंकि आपकी गलत सोच ही आपको गलत रास्ता पर लेकर जाता है। दोस्तों, गलती को सुधार लेना ही आखिरी विकल्प होता है, क्योंकि चिंता कभी परिणाम को बदल नहीं सकती। जिंदगी को सरल बनाने के लिए आपके अंदर इन 6 चीजों का होना अत्यंत जरूरी है। प्रार्थना करने से पहले विश्वास कीजिए, बोलने से पहले सुनिए, खर्च करने से पहले कमाइए, लिखने से पहले सोचिए, हार मानने से पहले कोशिश कीजिए और मरने से पहले जिंदगी जी लीजिए। आपका जिंदगी सरल और सुखी से व्यतीत होगा। दोस्तों, वक्त सबका आता है, बस इंतजार करने की देरी, क्योंकि जब तालाब भरता है तब मछलियाँ चींटियों को खाती है और जब तालाब खाली होता है तब चींटियाँ मछलियों को खाता है। ठीक इस प्रकार हमारे जीवन में भी होता है, जब आपका वक्त बुरा हो तो लोगों की मत सुनिए, बस कोशिश करते रहिए, और जब वक्त सही हो तो सुनिए सबकी मगर कीजिए अपनी। दोस्तों, जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आता। इसीलिए जब भी आपका वक्त बुरा चल रहा हो तो आप परेशान ना हो, बस लगातार प्रयास करते रहे, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। जिस प्रकार बिना चाबी के ताले कभी नहीं बनते, इसी तरह भगवान कभी भी समाधान के बिना कोई भी समस्या को नहीं देता, केवल हमें उन्हें अनलॉक करने के लिए अपने अंदर धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने तेरे अंदर जरा सी भी चिंगारी उत्पन्न कर दी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मोटिवेशन एक कुमार के साथ। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ते और आपको दिखाए एक नई दिशा। सुनते रहिए मोटिवेशन एक कुमार। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।